तीसरी बेल है तो हट। हे, स्कूल की बच्ची है क्या? बेल सुनते भागने लगती है। एक मिनट और रुक जाना, सब कुछ मजे से हो जाएगा। 3 घंटे तक दरवाजा नहीं खोला तो वो चली जाएगी, फिर सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तेरा 1 मिनट का मजा मेरे लिए दिन भर की सजा। नो थैंक्स। हे, ए मुंह ऐसे क्यों बना के रखा है गंगा? हाँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े हैं, उन्हें ड्रायर में डाल दो। हेलो, अब ये किस खुशी में? मुझे लगा चटनी तीखी है। ठीक ही है, ठीक ही है। ये लो, कहा था ना आगे। नए पड़ोसी। क्या लगता है, इंटरेस्टिंग होंगे? ऑर्डर मेरे सर्जरी का। मैंने अभी आपका सर खोल रखा है और आप पूरी तरह से होश में। अमेजिंग राइट? कंफर्म टारगेट पॉइंट। ओके, इन इलेक्ट्रोड्स को अभी मैं आपके ब्रेन में इंसर्ट करूंगा। हल्की सी गुदगुदी होगी। पार्किंसंस के बाद आपने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। कोई नहीं, आज खेलते हैं। अभी आप अपने हाथों की शिवरिंग रोकेंगे और मुझे लेग स्पिन करके दिखाएंगे राजी। या एंड गो। या एक्सेलेंट राजीव। वन मोर टाइम प्लीज। एक और बार। बहुत बढ़िया। या ओके ओके, टेक इट इजी। इंडियाज नंबर 1 डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर कृष्णकांत इन द हाउस। Good job. Thanks, doctor. Fantastic. दो साल में तीसरी बार है ना? मैं 10 साल से इस हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट हूं। साला एक बार भी किसी ने मेरे लिए ताली नहीं बजाई। डॉक, सबको ताली आपने बजाने को कहा है। मैं अच्छा आदमी हूं यार। चल बता, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? सीक्रेट विक्रेट कुछ नहीं है डॉक। मे बी आई एम जस्ट लकी। कॉफी? हाय आंटी, मैं जेनी, ये सारा। हम पास वाले घर में रहने आए हैं। सारा ने आपकी खिड़की तोड़ दी। सॉरी बोलो। क्यों? मैं क्यों सॉरी बोलूं? सॉरी बोलो। सॉरी आंटी। इट्स ओके स्वीटी, कोई बात नहीं, अंदर आओ। सारा सेकंड स्टैंडर्ड में है आंटी। मेरे 12th बोर्ड्स अभी खत्म हुए हैं, आगे क्या करूंगी पता नहीं। आजकल तो हम दोनों ही वेले हैं। अच्छा लिसन, बैठ के बात करो ना। नो इट्स ओके। बाय द वे आंटी, मॉम डैड आपको हाउस वार्मिंग पार्टी पे बुलाएंगे, आप पक्का आना। हाँ या श्योर, व्हाई नॉट। लोगी? हे, ये लड़का कौन है? सो क्यूट। ओ, मेरे हस्बैंड। आप शादीशुदा हैं? क्यों, लगती नहीं हूँ क्या? आप लगती हैं, ये बिल्कुल नहीं लगते।
मॉम मैं निकलती हूँ आंटी, नहीं तो घर पहुँचते ही लेक्चर सुनना पड़ेगा। चल से बाय। बाय आंटी। बाय। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग स्वीटू। कम कम। चाकू का है? तू तो मुझे बिना चाकू के ही मार देगी। वेयर इज द किचन नाइफ? ओ जानू कौन कौन। जेनी तुमने किचन का नाइफ लिया? मैं क्यों लूंगी, इस घर में जो भी होता है जेनी की गलती है ना। पापा आई विल वेट इन द कार। मैंने ऐसे क्या बोल दिया, इतना गुस्सा कर रही है। मैडम मांसो एकदम ब्याह हो गुस्से दे। हाँ मीट स्मेल इज बैड। जाओ वॉशिंग मशीन में डाल दो। ओके वॉशिंग में सी ना। अब क्या समझ में आ गया? रुक ए। Actually, so many places for me to see here. I mean, Achha? I have a Jeep. Like, if you're interested. Ye dining room hai? Wow. I mean, if you're up for it. Jenny? Dr. Krish, samne rehte hain. Krish, oh, hi. Unki wife Lakshmi. Nice to meet hi, you. Hi, Lakshmi. Aao, ghar dikhati hun. I'll be back. What's your poison? Whiskey. Neat? Sure. Hamare yahan kehte hain, muft ki daru aur salad le leni chahiye. Cheers. Cheers. वाओ, आप इस फोटो में कितनी यंग लग रही है कंपेयर टू पॉल ना। ओह मेरा वो मतलब नहीं था। इट्स ओके। एक्चुअली मैं उनकी सेकेंड वाइफ हूँ। 7 साल पहले जेनी की माँ गुजर गई। पापा पॉल को पहले से जानते थे। उन्होंने रिश्ते की बात छेड़ी, मुझे अच्छा लगा और मैंने हाँ कह दी। सारा मेरी बच्ची है। लक्ष्मी बीवी से इतना डरते हो? जो लोग मेरी बीवी को जानते हैं ना वो मेरे डर से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मेरा ड्रिंक वापस करोगी? सॉरी नीड व्हिस्की। नाइस थैंक यू जेनी। नाम कैसे पता? मेरी बीवी बता रही थी कि घर एक पगली आई थी। अब जाके मालूम पड़ा कि पगली नहीं है बेवड़ी है। एक्चुअली मुझे शराब उतनी अच्छी नहीं लगती। I'm not that into downers. I like only uppers. You know uppers na? Coke, E, you know what I mean? Achha. Ek doctor ko drugs ke bare mein samjha rahi ho. Aise main prescription likh ke dun to in faltu drugs se bahut faru drugs tum legally khareed sakti ho. Achha? Mhm. Doctor sahab, 2 din se meri tabiyat kuch theek nahi lag rahi. Kuch likh ke do na please. De sakte hain? Thappad. Please get me another drink. कतई नहीं, जेनी को डाउनर्स जो पसंद नहीं है। पंछी बावरा चांद से प्रीत लगाए, चांद से प्रीत लगाए। Hi little girl, what are you looking at? Jenny? Jenny? Hey!
जेनी फोन फोन जेनी कुएं में गिर गई है, रस्सी लेके आओ जल्दी जल्दी। इतने सारे लोग चुपचाप देख रहे थे। I don't know why you had to jump. Sit. उसके माँ बाप से ज्यादा तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही थी हाँ? Were you out of your fucking mind? अब जूते उतारो प्लीज। सांस रुक गई थी मेरी। You'll die of pneumonia. कपड़े बदल लो, मैं चाय लाती हूँ। I still can't. Krish, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। Say something, goddammit. मैं क्या बोल रही हूँ? तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या हुआ है? 3 बज रहे हैं। इतनी रात कौन होगा? क्रिश, जेनी, जेनी को दौरा पड़ा है। क्या कैन यू प्लीज कम? जेनी, प्लीज कुछ करो, करो प्लीज। Paul, Jenny, Jenny, look at me. Paul, पैर पकड़ लो. Look at me, look at me. Jenny, क्या हुआ? उसे अंदर लेके जाओ.
Paul, I need a spoon, karchi, kuch bhi. Yes, papa. Pakdi. Jenny, please. Take it easy, beta. Take it easy. Jenny, mukh kholo. Jenny. Kya ho raha hai? Hold up, guys. Hold up. सोने दो उसे, आराम करेगी, she'll feel better. सेफ साइड कल उसे हॉस्पिटल ले आओ, सारे टेस्ट करा देंगे, तसल्ली भी हो जाएगी. ओके, थैंक यू कृष. एनी टाइम. थैंक यू सर. गुड नाइट. ए, ये क्या है? क्या? अरे जेनी, कल रात इतना तो कभी मैंने भी नहीं काटा है यार. कोई नहीं, फ्री हो अभी काट लो. आज तेरी नौकरानी को गोली से मार दूंगा. हाय क्रिश, कल रात आपने जो भी किया, थैंक्स अ लॉट. हे, इट्स ओके जेनी, इफ यू डोंट माइंड, हॉस्पिटल में मिलते हैं. ओके बाय आंटी. हाय क्रिश, बाय आंटी. सही है, सही है, छोटी बच्ची है यार. एज एक्सपेक्टेड, सब कुछ नॉर्मल ही है. फिट्स का दौरा कभी कभी बिना वजह के आ सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है. फिजिकली जेनी इज 100% ओके. थैंक यू. एनी टाइम. सो मच. बाय बाय. उस दिन पूछा तो ज्यादा होशियार बन रही थी. हो क्या गया इस बच्ची को? ओ ओ आह, ये क्या खरोच के रखा है? हेलो, लिजी, लेस्ली, हाय, तुम कब आई? अभी अभी, आपकी डोरबेल काम नहीं कर रही है. अच्छा, आई विल गेट इट फिक्स्ड. एनीवे, मैं आज रात डिनर के लिए इनवाइट करने आई हूँ. डोंट वरी, मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ. ओके, फिर भी मैं पॉल से पूछ के कंफर्म करती हूँ. श्योर, जैसे आप. लगता है बेल खुद ही ठीक हो गई.
क्या हुआ? कुछ नहीं. अच्छा मैं चलती हूँ. I'll see you tonight for dinner. ओह, ये चॉकलेट मैं सारा के लिए लाई थी. सारा और जेनी उनके साथ साइट पे गए हैं. अच्छा. जब वो घर पे नहीं होते ना, मेरा काम आराम से हो जाता है. तुम चाय लोगी? नो थैंक्स. हमारे नए एमएचपी के लिए 3 प्रोपेलर टर्बाइन्स का ऑर्डर दिया था ना, क्या स्टेटस है उसका? आज शाम तक आ जाएगा सर. वी विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस बाय टुमारो. थैंक यू. थैंक्स. या लीजी, लक्ष्मी ने शाम को हमें डिनर पे इनवाइट किया है. मैं हाँ कह चुकी हूँ. नो प्रॉब्लम ना? हाँ हाँ श्योर. अच्छा, जेनी और सारा तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. चलो घर पे मिलते हैं. या बाय. बाय. ए जेनी, बी केयरफुल. Glasses, please. Cheers, guys. Cheers. 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 Himalayas. ज़्यादा तीखी नहीं है? बिल्कुल नहीं. Absolutely my taste. सारा क्यों नहीं आई? उसके लिए पेस्ट्री लेकर आई थी. सारा जल्दी खाना खा के सो गई. ओह, तो पापा भी उसी के साथ रुक गए. तो सारा दादू की लाडली है? हाँ हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स, रूममेट्स जो हैं. उसका एडमिशन का सब हो गया ना? हाँ, ऑलमोस्ट. कल सेंट जॉन्स के प्रिंसिपल के साथ मेरी बात हुई थी. वो कह रहे थे कि इट शुड बी डन. और अभी स्कूल शुरू होने में तो पॉल. हाँ टेल मी. हाँ, ये वाला घर कैसे सेलेक्ट किया आपने? मुझे हमेशा से एक बड़े घर की ख्वाहिश थी, यू नो, ड्रीम होम. सही टाइम पे बजट में आ गया, ले लिया. टाइमिंग इज एवरीथिंग. टाइमिंग. जेनी क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया. अरे कुछ खा ही नहीं रही क्या? ऐसे ही है क्या? घर में भी ऐसे ही करती है. एक्सक्यूज मी. कम ऑन, डोंट बी शाय. चलो हैव योर फन. कम ऑन. ऐसा खाना रोज? हाउ डू यू स्टे इन शेप? बॉस, ये सब स्पेशल आपके लिए बनाया गया है. हमें कहाँ रोज रोज मिलता है ऐसा खाना. सुना आपके बारे में क्या बोल रहे? वुड यू लाइक सर? या श्योर. और थोड़ा? नो नो नो, आई एम फुल, आई एम फुल, आई एम फुल. लास्ट बोल, लास्ट बोल. थैंक यू. थैंक्स. छोड़िए ना, आई टेक केयर. और प्लांट का काम कैसे चल रहा है? नॉट बैड एट ऑल. दूसरे प्लांट की परमिशन मिल गई. कल से इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा. आई एम जस्ट वरीड अबाउट द वेदर. चलो अच्छी बात यह है कि सर्दी के लिए अभी टाइम है. हां, उससे पहले जितना काम हो सके कर लो. या बहुत मुश्किल है सर्दी के टाइम काम करना. See, there is nothing. Papa, मैंने देखा पापा. Jenny, I'm sorry. Jenny, चलो, चलो. Good night. क्या देखा होगा उसने? देखो ना क्या टाइम हो रहा है. पापा अभी भी पियानो बजा रहे हैं. पापा.
पापा। जेनी, यहाँ क्या कर रही हो? मुझे भी सुनाई दिया। अब नहीं सुनाई देगा, चलो जाओ सो जाओ। दीदी ये आपका फोन है? हु? दिखाओ, ये तो जेनी का फोन है। अच्छा जेनी का फोन है, तुम्हें तो सब पता है यार। ठीक है मुझे दो, इसके हाथ भिजवा दूंगी, तुम काम पे निकलो। पास वाला घर ही तो है, जाते जाते देखी जाऊंगा ना। क्यों, कल रात टेबल के नीचे मजे से दिल नहीं भरा? बच्ची है यार, कुछ तो शर्म कर। वो बच्ची है? हाँ। फोन दो। क्यों? दो ना, बताती हूँ। अरे मैं देखे जाऊंगा बोल रहा हूँ ना, प्रॉब्लम क्या है? दो ना। छोड़ो छोड़ो, ए बज रहा है बज रहा है। हेलो, ए पॉल, क्रिश बोल रहा हूँ, रात को जेनी का फोन यहाँ रह गया। व्हाट, पक्का घर में नहीं है ना? ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। सुबह से जेनी और सारा दोनों मिल नहीं रहे, पॉल बहुत घबराया हुआ है, मैं देख के आता हूँ। मैंने कई बार उसे यहाँ पर आते हुए देखा, और कल रात क्या हुआ था तुम्हें तो पता है। I'm getting worried about her. Paul, it's a difficult age. तुम जितना सोचोगे ना उसके बाद। जेनी खाई की ओर क्यों जा रही है? जेनी, तुम सारा को देखोगे? Go, संभल के आओ। जेनी stop, जेनी, जेनी stop, जेनी। सर बी केयरफुल, जेनी, लेकिन तुम वहां क्यों गई थी? कुछ तो कहो। जेनी अपना मुंह खोलो, बोलो कुछ। मुझे डील करने दो पापा, आप उसे बचाने की कोशिश। जेनी, 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 लेटा दो। जेनी, जेनी, say something. She's fine.
happening to her, Krish? Doc, ये पॉल और उनकी बेटी जेनी. Nice to meet you. Same here. Krish, तुम इनको अपने कैबिन में ले जाओ. मैं बुलाता हूँ. Sure. Paul. Papa. मैं हूँ बाहर. हाय जेनी. हाय जेनी, ये एक सेफ जोन है. यहां तुम कुछ भी बोल सकती हो, कुछ भी. कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, गलत नहीं समझेगा. हम जो भी बात करेंगे हमारे बीच ही रहेगी. पेशेंट डॉक्टर कॉन्फिडेंशियलिटी. ऑलराइट? ओके, बताओ क्या प्रॉब्लम है. वो हमें घर से जाने को कह रही है. कौन? चाइनीज में उसका मतलब है यहां से चले जाओ. तुम्हें चाइनीज आती है? नहीं, मैंने गूगल ट्रांसलेट पे चेक किया. और क्या क्या देखा या फिर महसूस किया? हाँ, पिछले हफ्ते फ्राइडे 13th रात को कुछ 3 बजे सारा, मैं हूं अंदर. के बारे में पापा को बताया? नहीं, वो यकीन नहीं करते. जब ये सब हुआ तुम्हारे साथ और कोई था? नहीं. तुम्हारे अलावा और किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ? पता नहीं. तो सिर्फ तुमने ये सब देखा है? ओके, टुडे सेशन इज ओवर. तुम बाहर जाके वेट करो और अपने पापा को अंदर भेज दो. डोंट वरी, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा. ओके? क्या आपके साथ घर में कोई स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ? एक रात मेरे पापा का डिक्टाफोन अचानक बजने लगा. मैंने जाकर बंद किया लेकिन फिर से बजने लगा, तो मैंने फिर बैटरी निकाल दी. आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? डिक्टाफोन का प्ले बटन खराब हो गया होगा, और क्या. करेक्ट. अगर वहां सिर्फ जेनी होती तो शायद इसका और कुछ मतलब निकालती. मैं समझा नहीं डॉक्टर. जेनी से और बातें करने के बाद ही मैं करेक्ट डायग्नोसिस कर पाऊंगा. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि शक्ति को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया. एनर्जी इज एवरीवेयर. तो फिर जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसकी आत्मा जाती कहां है? इसी सवाल का जवाब मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा हूं. इस घर में कब से हो रहा है ये सब?
ये कोई सिंस आई कम हाउस वन मंथ देखिए कम जेनी जराओ बच्चे आओ बेटे जेनी अपने कमरे में जाओ जेनी आप मैं एक बन जा रहा हूं कर्नल साहब ने कहा कि इस घर में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपके समझ में नहीं आ रही और आपके पास इसका कोई इलाज भी नहीं है इसीलिए मैं यहां आया हूं हमें कोई इलाज की जरूरत नहीं है आप जा सकते हैं पॉल बट आई थैंक यू मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने आया था इसलिए कम सो जा कम जैसा आपने कहा था मैं जेनी को लेकर बाहर जा रहा हूं जब आप फोन करेंगे तभी वापस आऊंगा जी ये जेनी का रूम डॉक सुबह जेनी का सेशन कैसे गया अच्छा गया बट इट्स टेकिंग टाइम बहुत टाइम लग रहा है तो
ओटी में भिजवा दो। गुड नाइट नर्स। गुड नाइट। दिमाग खोल के वायरिंग बदल दूंगा, दो दिन में ठीक हो जाएगी। मैं मेरे तरीके से ट्राई कर रहा हूँ, कल से हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी? वो जो घड़ी हिला के मैजिक करते हो वो? वही है। मैं आके देख सकता हूँ? व्हाई नॉट। सुपर्ब। मुझे ड्रॉप कर दोगे? ऑफ कोर्स। ऑन द वे एक एक स्मॉल। दारू पी के गाड़ी चलाऊंगा ना तो बीवी मारेगी। मैं देख सकता हूँ? अरे मैं डॉक्टर हूँ यार, चल। हे लव, पॉल ने कहा था कुछ काम है, मैं जरा होके आता हूँ। एक चाय बना के दो ना। सुनो, हमारा घर ये वाला है या वो? गुड नाइट, फिर से शुरू मत करो। लुक। नो यू लुक, मैं एक डॉक्टर हूँ और वो मेरी पेशेंट। तुम्हें समझ में नहीं आता ना, दैट्स योर प्रॉब्लम। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं ही उसका ख्याल रखूंगा, बस। शुरू करें? जेनी, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, फोकस ऑन द डार्कनेस। इस टिकिंग साउंड पे ध्यान दो। अब तुम्हें हल्की सी नींद आएगी, डोंट फाइट इट, जस्ट रिलैक्स कंप्लीटली। कुछ मत सोचो, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। जब मैं ऐसे करूं तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना है, ओके? फिर दोबारा जब ये आवाज आएगी तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है और जागना है। सोचो जैसे एक ऑन ऑफ का स्विच है जो तुम्हारे दिमाग से कनेक्टेड है। जेनी, क्या तुम्हें यह जगह पसंद नहीं है? क्या तुम वापस अपने पुराने घर जाना चाहती हो? शुरू शुरू में मुझे यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर पापा ने कन्विंस कर दिया यहां रहने के लिए। अब मुझे अच्छा लगता है, पास वाले घर में क्रिश भी रहता है, ये ठंडा मौसम, अब मुझे सब अच्छा लगता है। जब सब अच्छा लगता है यहां तो उस दिन पहाड़ पे क्यों चली गई थी? मैं नहीं गई। झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम वहां गई थी। अब बताओ क्यों गई थी वहां? मैंने कहा ना मैं नहीं गई। तो जो गई थी उससे बात हो सकती है? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। ये मेरा घर है, यहां और कोई नहीं रह सकता। ये बोलने वाली तुम कौन होती हो? नाम है। क्या कर रही है? Tell me. पेट पे लगे खून को पहुंच रही है।
वेक अप जेनी। क्या हुआ? क्या हुआ पापा? आपका कोई फैमिली प्रीस्ट है? प्रीस्ट? किस लिए? बताता हूँ। हम पेंटेकोस्टल क्रिश्चियंस हैं। हमारे लोकल चर्च में पास्टर जोशुआ हैं। जेनी को ठीक करने के लिए हमें उनकी मदद लेनी पड़ेगी। अर्थ टू अर्थ, ashes to ashes, dust to dust, ensure and certain hope of resurrection on the last day. Into your hands, O merciful Savior, we commend your servant, and we commit the body to the ground. Blessed peace of everlasting rest in the company of glorious company of saints of light. Amen. प्रसाद तो हम बांटते हैं, आज डॉक्टर प्रसाद खुद हमसे मिलने आए हैं। What can I do for you, sir? पॉल की बेटी जेनी का एक्सोर्सिज्म करना है। एक्सोर्सिज्म? A child is possessed? Pastor, I'm a psychiatrist and 100% sure that she is not possessed. फिर मेरी क्या जरूरत है? Actually, कुछ सालों से वो खुश नहीं है। अपनी माँ की मौत के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। इसके चलते उसने अपने मन में कुछ कहानियां बनाना शुरू कर दिया है, और अब वो इन इमेजिनरी कहानियों को सच मान रही है। She doesn't know how to deal with this. अब उसके दिमाग में लीजिंग की कहानी एक रियलिटी बन चुकी है। शायद बोरियत दूर करने के लिए उसने ऐसी कोई फिल्म देखी है, या फिर ऐसी कोई किताब पढ़ी है, या फिर इंटरनेट। अब उसे यकीन हो गया है कि लीजिंग आप सबको इस घर से, इस शहर से दूर भेजना चाहती है, ताकि जेनी वापस अपने पुराने घर जा सके। डॉक, डॉक, होल्ड ऑन अ सेकंड। हम दोनों ने अपने कानों से सुना, वो चाइनीज में बात कर रही थी। मैंने गूगल ट्रांसलेट पे चेक किया। गूगल ट्रांसलेट? वो खुद को बेवकूफ बना रही है, ये सब सच मानने लगी है। जो कहानी उसने अपने दिमाग में शुरू की है, उस कहानी को हमें जेनी के दिमाग में ही खत्म करना होगा। लेकिन डॉक्टर, एक्चुअली इसका कोई मेडिकल इलाज नहीं है। ये नकली एक्सोर्सिज्म एक ट्रीटमेंट ही है पॉल। उसके बाद जेनी मानेगी कि उसके अंदर से लीजिंग की आत्मा जा चुकी है। देखिए, एक्सोर्सिज्म का जो प्रोसीजर है वो मैं करूंगा, चाहे नाटक कहिए या एक्सपेरिमेंट। मैं और मेरे इसे ब्लेसिंग ही मानेंगे। डोंट वरी, आवर चाइल्ड विल बी ऑल राइट। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये प्लान, जेनी का भूत भगाना, आई जस्ट डोंट गेट इट। हम जो भी कर रहे हैं जेनी की भलाई के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर प्रसाद, मैन ऑफ साइंस, साइकियाट्रिस्ट, आपका पेशा क्या है और आप कर क्या रहे हो? डॉक्टर क्रिश, ब्रेन सर्जन, तुम लोगों का सर खोल के उनके भेजे की मालिश करते हो। तुम्हें मेरी टेक्निक्स पे शक हो रहा है? शक तो है डॉक, हम नकली एक्सोसिज्म करने जा रहे हैं ना, तो फिर असली पास्टर क्यों? जेनी के लिए क्रिश, उसे मानना होगा। हम झूठ को जितना सच में लपेटेंगे, धोखा उतना ही शानदार होगा। डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट फूल्स। हाँ,
गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स. मॉर्निंग. मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि रोशनी की जरूरत तो बल्ब ले आओ, और अगर अंधेरा मिटाना हो अपने दिल में ऊपर वाले को विश्वास. Shall we? प्लीज आप यहीं रुकिए, आप इनका ख्याल रखिए. यस डॉक्टर. पापा. हाय पॉल. आर वी रेडी? या. हम कभी मिले नहीं. एम्बेसडर जोशुआ, हाउ आर यू जेनिफर? जेनिफर? सब मुझे जेनी बुलाते हैं. जेनी. इतने सारे लोग, मुझे डर लग रहा है. उस दिन उस कमरे में बात कर रहे थे, आज इस कमरे में बात करेंगे. बस ठीक है. अब क्या करने वाले हैं? सिर्फ कुछ सवाल. उस दिन अपने पेट से खून पोंछ रही थी तुम, किसका खून करके आई थी? ये आप क्या बात कर रहे डॉक्टर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं जेनी. ली जिंग, अगर तुम हमसे बात नहीं करोगी, पास्टर जोशुआ तुम्हें भगाने का काम शुरू कर देंगे. फिर तुम अपने फायदे के लिए जेनी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी. Stay calm. घबराओ मत. Mercy upon us, O wicked spirit. Release this gentle soul unto our Lord. Behold the cross of the Lord. Flee, band of enemies. We drive you from us, whoever you may be. Unclean spirits, in the name of Jesus Christ, our God and Lord, we confidently undertake to repulse the attacks and deceits of the devil. The Lord's enemies are scattered. All satanic पावर्स. मेरे बच्चे, ये हमारी जेनी नहीं है, इसके अंदर कुछ और है. जेनी मस्ट नाउ बी सेव बाय गॉड. ऑल इन्फर्नल इन्वेडर्स, ऑल विकेड लीजंस, असेंबली. इन द नेम एंड बाय द पावर ऑफ आवर लॉर्ड, गॉड अराइज़ेस. हिज एनिमीज आर स्कैटर्ड एंड दोस आर वेटिंग फॉर हिम. As wax melts before fire, so the wicked perish at the presence of God. Wicked legions. Dr. Prasad, ek rassi leke aaiye. Dr. Prasad. Krish. God arises. His enemies are scattered. And those who hate him, flee before him. As wax melts before the fire, so the wicked perish at the presence of God. Behold the cross of the Lord. Doc! Flee, ranks of enemies. The lions of the tribe of Judah, the offspring Doc, of David, have conquered. May thy mercy, Lord, defend us. Dr. Prasad!
leave him, Jenny. I said leave him. Get up. Grace, Uther. Uther, Grace. I command you, unclean spirit, whoever you are, along with all your minions now attacking this servant of God. Fuck, I can't. Jenny, stop it, Jenny. God, the Father of our Lord Jesus Christ, heed my prayer, the Lord be with you. I do you, ancient serpent. In the name of our Lord and God, I adjure you to depart forthwith in fear from this servant of God. I adjure you, ancient spirit, by the judge of the living and of the dead. Behold this, the wrath of our Lord. जेनिफर, सब मुझे जेनी बुलाते हैं। पापा? Pastor. Pastor. He's alive. Vitals are stable, pulse is consistent. Dressing कल change कर दो, हाँ? और हर दो घंटा monitor करते रहना, ठीक है? Okay. Doctor, कोई भी special treatment या surgery करनी पड़े, please go ahead. जो भी खर्चा होगा, हम संभाल लेंगे. जब तक coma से बाहर नहीं आ जाते, surgery नहीं कर सकते. Nurse reports file करके खाना खा लीजिए. मैं बाद में rounds complete कर लूँगा, okay? Jesus Christ, may the good Lord protect you and may the Holy Spirit guide you towards good health. We pray to the Almighty. Amen. और ये लोग काफी प्रेयर भी कर रहे हैं.
Let's see. ये लोग तो पैस्टर के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, मैं क्या करूं? For my guilty conscience. इन्हें इसमें इन्वॉल्व करने के लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा. बुरा तो मुझे भी लग रहा है डॉक्टर, मेरी बच्ची के लिए ही तो ये सब. घर में सब कैसे हैं? जेनी बिल्कुल नॉर्मल है. मैं पैस्टर को देख के फिर घर जाऊंगा. सी या डॉक्टर. क्रिश, उस दिन जब मैंने पैस्टर जोशुआ को आखिरी बार देखा, उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर दिखा. तुमने नोटिस किया? नहीं तो? मुझे लगता है इस हादसे में कुछ और छुपा है. अभी अभी पॉल ने कहा ना डॉग, लड़की नॉर्मल हो गई है. हाँ, लेकिन क्या हमें वो सब मालूम है जो हमें मालूम होना चाहिए? जब तक सही सवाल नहीं पूछेंगे तब तक सही जवाब नहीं मिलेगा. लेकिन सही जवाब तो सिर्फ पैस्टर जोशुआ के पास है. क्रिश, हम पैस्टर जोशुआ की आंखें खुलने तक वेट नहीं कर सकते. तो सारे जवाब मिलने तक आप छोड़ने नहीं वाले? ठीक है, बोलिए क्या करना. आई एम विद यू. पॉल? हाँ. सब लोग एक जगह इस वक्त? क्या बात है? कुछ बात करनी है पॉल. या इतना कुछ होने के बाद क्या ये जरूरी है कि हम इस घर में रहें? प्लीज पॉल, लेट्स मूव. हाँ बेटा, लिजी ठीक कहती है, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए. हमारे पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए इस घर को गिरवी रख के मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है. जब वो लोग वेरिफिकेशन के लिए यहां आएंगे और घर को ताला लगा हुआ देखेंगे तो ये लोन कैंसिल हो सकता है. आई जस्ट कांट टेक दैट रिस्क. मामा, आई टोल्ड यू ही विल गेट अपसेट. मुझे समझ नहीं आ रहा हमें घर छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं. आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. पापा को तंग करना बंद करो प्लीज. पापा, जो भी होगा अच्छा ही होगा. मुझे इस घर को एक मौका और दो प्लीज. ओके. क्या ये? सर, एवरी टाइम थिंग्स मिसिंग सर, नाइफ मिसिंग, बेड स्मेल, फ्रिज सर, घोस्ट इन हाउस सर, पूजा. ये फालतू चीजें करके घर में सबको डराओ मत. एवरी टाइम मीनिंग सर, एवरी डिफरेंट मीनिंग सर. शट अप, घर में बच्चे हो तो. स्टॉप दिस एट वंस, स्टॉप इट एंड गो टू बेड. ओके सर.
लक्ष्मी, क्या हुआ? क्रिश, क्रिश, ये स्ट्रिप है ना, अगर इसमें दो लाइन दिखे मतलब मैं प्रेग्नेंट हूं। दो लाइन है, आई एम प्रेग्नेंट। एक डॉक्टर को समझा रही हूं। आई लव यू। बच्चा किसका है? अरे लेकिन आप एजेंसी वालों को ये पता नहीं है तो फिर किसे पता होगा? देखिए सर, जो भी है आप पता कीजिए और हमें बताइए जल्दी। थैंक यू। पागल है, अपना सारा सामान भी छोड़ के चली गई है, इतनी भी क्या जल्दी थी? पॉल, मैं समझता हूं, एक बार फिर उसका फोन। हा? पॉल, पापा, आपके उस बंजारे को बुलाइए अभी। ओके। स्पिरिट से बात करने का सबका एक तरीका होता है, कोई कागज पे कलम चलाता है तो कोई पासा घुमाता है। जब मैं 7 साल का था तभी स्पिरिट्स ने मुझसे पहली बार बात की। वो अपना संदेश इस रेत के जरिए देते हैं। ये मिस्टर चांग है, जेनी के हिप्नोसिस के दौरान उन्होंने काफी मदद की थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज भी इन्हें। नम्यो रेंगे क्यो, नम्यो रेंगे क्यो। क्या इस घर में कोई है? या उरेंसा इत्सियामा लाइक कोई ता वो। She's here. तुम्हें इन लोगों से जो कहना है मुझसे कहो, मैं इन्हें कह दूंगा। रुगो नि शंक इन चशरन शोश मत हुआ मुनन पंग नि चेश छिंचु। एक माँ और बेटी के स्पिरिट्स हैं। चले जाओ यहां से। मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे सर? वैश्यमत्ता सिया ख्वाइस।
हम इस घर में नहीं रहेंगे, यहां से चले जाएंगे अभी। उन्होंने अभी खत्म नहीं किया पॉल। इस घर में दो आत्माएं यहां से भगाने के लिए आप सबको डरा रही थी, लेकिन इन दो स्पिरिट्स के अलावा यहां एक और प्रेत आत्मा है जो आपको यहां से जाने से रोक रही है। अब भागने से कोई फायदा नहीं, आप जहां भी जाएं वो आत्मा आपको नहीं छोड़ेगी। आई एम सॉरी पॉल। May I come in? जय, तुम्हारा ही वेट कर रहा था, कम। आपने जो फाइल मंगाई थी। थैंक्स, सिट। 80 साल पुराना केस है, इसलिए मिलने में थोड़ा वक्त लग गया। अभी भी ओपन केसेस के सेक्शन में पड़ा था। लक्ष्मी, कौन? कोई है?
कोई बुरा सपना देखा क्या? इट्स ओके, सो जा, इट्स फाइन बेबी स्लीप। बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल है क्रिश, सो रिलैक्स। और तुम्हें 2-3 दिन की बेड रेस्ट की जरूरत है। आफ्टर दैट यू विल बी ऑल राइट, ओके? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। पॉल के घर में कुछ है भयानक, हमें अपना घर छोड़ देना चाहिए। वो उनका घर है, हम क्यों अपना घर छोड़ेंगे भला? क्या जरूरत थी वाटर टैंक के ऊपर चढ़ने की? फिसल के गिर गई ना, इट वॉज एन एक्सीडेंट। अब उसका और जो पॉल के घर में हो रहा है कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है, मैंने एक छोटी लड़की को टैंक के ऊपर देखा एकदम से, इसीलिए मैं गिरी। घर में जो स्पिरिट है वो हमारे घर में घुस आया है। कॉलिंग डॉक्टर क्रिश, कॉलिंग डॉक्टर क्रिश, डॉक्टर क्रिश टू द ओटी। लव, आई हैव टू गो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। डॉक्टर, Doctor, can we go ahead with the procedure? Just finish prep, I'm coming. लंदी बहुत अलग किस्म का ऑपरेशन है। इस प्रोसीजर के दौरान आप मुझसे बात कर सकते हैं, डॉक्टर शेखर से बात कर सकते हैं। शुरू करें। इलेक्ट्रोड्स को मैं आपके ब्रेन में इंसर्ट करने जा रहा हूँ, आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा, सो जस्ट रिलैक्स, लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोड्स के अंदर घुसते ही आप अपने हाथों की शिवरिंग रोक सकेंगे। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन Everything okay, doctor? It's fine.
नर्स डैम प्लीज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डीप ब्रेन कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए. मैं जितना कर रहा हूँ उतना आपको भी करना है. इक्वल अमाउंट. Are you sure you're okay, doctor? I know what I'm doing, Shekhar. Go stand there. आप ऑब्जर्व करने आए. Let's continue. अपने हाथ को स्टडी कीजिए बुलंद. और राइट हैंड का लिटिल फिंगर उठाइए. नहीं अभी भी हाथ हिल रहा है. फिर से कोशिश करें. रिलैक्स मिलन. विल ट्राई प्रोसीडिंग नाउ इंसर्टिंग द इलेक्ट्रोड. व्हाट हैव यू डन डॉक्टर? प्लीज स्टेप असाइड. रिश, एज वी ऑल नो, लास्ट मंथ की तुम्हारी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी के कारण इस हॉस्पिटल को प्रेस्टीजियस पीआईजी रिसर्च अवार्ड मिला. लेकिन आज की तुम्हारी लापरवाही से इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन, लकीली पेशेंट की जान बच गई, पर इस गलती का कोई सुधार नहीं. I'm afraid I'll have to suspend you. Think of this as a break. Take care. Krish. 2 minutes. बहुत साल पहले पॉल के घर में कुछ हुआ था. उसी के बारे में जानने मैं पास वाले गांव में जा रहा हूं. मैं भी चलता हूं. लक्ष्मी, उसे अब सिर्फ आराम की जरूरत है. नर्सेस संभाल लेंगे. बहुत हो गया डॉक, जो कुछ भी हो रहा है ना. आई नीड टू नो व्हाई इट्स हैपनिंग. बस ओके, आई विल वेट फॉर यू डाउनस्टेयर्स. क्या इस घर में शिफ्ट होते वक्त आपको कोई पुरानी चीज मिली? जब किसी वस्तु से आपको बहुत लगाव हो, आपके इमोशंस उस चीज में समा जाते हैं. लेकिन उन चीजों को छूकर उन इमोशंस को महसूस कर पाने की ताकत सिर्फ कुछ ही लोगों में होती है. ये तुम्हें कहां मिला? मुझे लक्ष्मी की बात माननी चाहिए थी. मैंने भी देखा, इसीलिए ओटी में उस दिन वो हादसा हुआ. उस घर में हो क्या रहा है डॉक? 80 साल पहले उस घर में एक चाइनीज फैमिली रहती थी, जहां आज पॉल की फैमिली रहती है. एक आदमी लू वे, उसकी पत्नी और उनकी बेटी. लू वे रेशम का व्यापारी था. चाइना से रॉ सिल्क इम्पोर्ट करता था और यहाँ राजाओं, नवाबों और ब्रिटिश अफसरों को बेचता था. काफी सालों तक रहे वहां. फिर एक दिन अचानक उस घर में उन तीनों की लाशें मिली. What? कैसे मरे? ये तो पता नहीं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है कि एक लड़की इसकी आई विटनेस थी.
कहते हैं तब वो इतनी डरी हुई थी कि कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। अभी हम उसी लड़की से मिलने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है डॉक, जो उस वक्त कुछ बोल नहीं पा रही थी, इतने सालों के बाद कुछ बोलेंगी क्या? पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि पॉल की फैमिली का फ्यूचर उस लड़की के पास से कनेक्टेड है। कैन वी गो अ लिटिल फास्टर? मेरा जब भी सिगरेट पीने का मन करता है मैं यहाँ आती हूँ। वेरी रेयरली पापा, इसी पेड़ के नीचे मुझे वो कंघी मिली थी। इस जगह को खोदना होगा। उसका कंकाल है, मरते वक्त पेट से थी। एक छोटा बच्चा है, उसका गला काट दिया गया था। हादसे के बारे में लोगों ने अपनी ही कहानियां बना रखी हैं। एक परिवार की जिंदगी का सवाल है। उस दिन के बारे में आपको जो भी याद हो प्लीज। उम्र के साथ साथ मैं बहुत सी बातें भूल गई हूं, लेकिन उस दिन जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। बाकी सब तुम्हें वही बताएंगे जो उन्होंने किसी से सुना होगा, लेकिन सिर्फ मैं ही हूं जो वहां मौजूद थी। 1935 की बात है, मेरी उम्र करीब 8 साल की रही होगी। उस घर में एक बहुत सुंदर पेड़ था। उस पेड़ में सुंदर सुंदर फूल खिलते थे। जो आदमी रहता था ना उस घर में, उससे हम बहुत डरते थे। उसकी घरवाली थी और एक लड़की थी जो करीब मेरे बराबर रही होगी। वो जो औरत थी हमेशा मुझे फूल तोड़ने देती थी। एक दिन जब मैं वहां फूल तोड़ने गई तब वो दोनों वहां नहीं थी, सिर्फ वो आदमी था।
अचानक आसमान का रंग बदल गया और दिन की रोशनी रात के अंधेरे में तब्दील हो गई। ये सूर्य ग्रहण का दिन था।你想玩游戏吗? 好啊，爸爸。 你想要弟弟吗? 想啊，爸爸。 听我的话。 好啊，我该做什么呢? 来，把头放下。 सूर्य ग्रहण का नाम लेते ही मैं घबरा जाती हूं। कल
फिर सूर्य ग्रहण है, फिर सूर्य ग्रहण है। इतने दिनों से स्पिरिट्स आपको आगाह करने के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन लूबे की आत्मा आपको यहां से जाने नहीं दे रही थी। क्रिश, पॉल से बात हुई? मैं ट्राई कर रहा हूं, बट देयर इज नो नेटवर्क। फिर से ट्राई करता हूं। जेनी और सारा कहाँ है? कॉल देम क्विक। पॉल, ग्रहण खत्म होने तक कहीं भी जाना सेफ नहीं होगा। यहां एक जगह बैठकर मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि बाहर जाकर कुछ कोशिश करें। हाँ डॉक, लेकिन इसका ग्रहण से क्या कनेक्शन है? ऑफ कोर्स है क्रिश। वन सेकंड। हाँ लक्ष्मी। तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है। जेनी कहाँ है? जेनी? मुझे क्या पता? मैं और डॉक्टर पॉल कहाँ जा रहे हैं? ओह, ओके, मैं यहाँ से डिस्चार्ज होके आती हूँ। अच्छा, तुम भी वहीं आ रही हो? I'll see you there. ओके। आज के सूर्य ग्रहण को पूरा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। पिछले 100 सालों में सबसे अधिक समय तक रहने वाला ये सूर्य ग्रहण होगा। ये ग्रहण 7.5 मिनट तक रहेगा और उस दौरान सबको बाहर न निकलने की सूचना दी गई है। Pregnant women are advised to stay at home during the eclipse. As mentioned earlier in our show, everybody intending to look at the eclipse has to take necessary precautions. We have an expert on our show, so let's... Pastor ko hosh aa gaya. That's good. Kuch kaha unhone? Wo theek se bol nahi pa rahe the. लेकिन उन्होंने जेनी को अगले 1 घंटे तक कमरे में बंद करके रखने को कहा है। ठीक है, डॉक का फोन आया था, 10 मिनट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा है जब तक ग्रहण न टल जाए हम दोनों को जेनी के पास ही रहना है। चलो। पॉल, जेनी कहाँ है? सामान पैक कर रही है। ओके, आई नीड टू टॉक टू हर। क्यों, क्या हुआ? नथिंग टू वरी, बाद में बताती हूँ। क्रिश, कम। सारा जेनी के साथ ही है ना? वहीं कहीं होगी।
देखो। तुम जाके देखो ना लक्ष्मी। सारा प्लीज क्रिश, मुझे डर लग रहा है। जेनी, जेनी यहां नहीं है। लुक प्रॉपरली, देखो क्रिश प्लीज। जेनी, हर स्पिरिट ईश्वर के विरुद्ध नहीं होती है, लेकिन पॉल के घर में एक है। पापा, यहाँ अब तक जो भी बुरा हुआ है उन सब के पीछे यही है। इस घर में जो आदमी मरा था उसकी आत्मा क्रिश में है। क्रिश होश में नहीं है। ग्रहण के टलने से पहले इस घर में खून होगा। मैं उसे अकेली नहीं रोक सकती, हम सबको मिलकर उसे रोकना होगा। इसी घर में लूवे ने अपने बच्चे की बलि चढ़ाई थी, लेकिन उसको जो चाहिए था वो उसे हासिल नहीं हुआ। उस दिन लूवे जो कर नहीं सका, आज कृष्ण के जरिए जरूर करेगा। एक औरत ने जेनी का इस्तेमाल किया ताकि वो पॉल की फैमिली को किसी तरह बचा सके। किससे? जब मैं ये रिकॉर्ड देख रहा था तब मुझे मालूम पड़ा कि ल्यू वे का जन्मदिन ठीक उसी दिन पड़ता है जिस दिन डॉक्टर कृष्णकांत आचार्य का। सेम डेट, डिफरेंट ईयर, बट सेम डेट, सेम पर्सन। इसीलिए प्रे कर रहा था क्योंकि आज यकीन हो गया शैतान है तो भगवान भी कहीं होगा। पॉल के साथ है, they're safe। क्रिश को कैसे रोका जाए? मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। आप लोग बच्चों को यहाँ से निकालने की कोशिश कीजिए। Sarah! 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 Please, Chris.
क्रिश तुम सच हो, तुम्हारी अंदर जो है वो सच नहीं है। फाइट हिम क्रिश, प्लीज। छोटा भाई चाहिए ना? चाहिए। फिर तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ओके पापा, मानूंगी। अपना सुंदर सा चेहरा यहाँ रखो। No, Chris, don't.
लिए जो करना था हमने कर दिया। ग्रहण टल गया, अब आगे वो संभाल लेंगे। न्यूयॉर्क के पार्सन स्कूल जा रही है, उसकी तो बड़ी तारीफ सुनी है। हाँ, कब जा रही हो? कह रही थी कि क्रिश से मिले बिना नहीं जाऊंगी। क्रिश लक्ष्मी दोनों से। एक्चुअली तीनों से। कहाँ है रॉकस्टार? हाँ कहाँ है भाई? चलो बुलाता हूँ। ओए ऋषि, ये सुधा है ना।